हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। रीजनिंग का पार्ट हम अल्फ़ाबेट जो शुरू किया है, इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि आपको किस प्रकार से अल्फ़ाबेट को लर्न करना है। मैंने इसको गैप बना के आपको ये सेकेंड वीडियो डाला जा रहा है, इसलिए आपके लिए लेक्चर पूरे का पूरा तैयार किया है हमने कि आप अच्छी तरह से अल्फ़ाबेट सीरीज को लर्न कर लें। विद्वान मित्रों, आगे के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सबको मालूम होगा कि जब तक आपके अल्फ़ाबेट सीरीज अच्छे से लर्न नहीं होगी तो आपकी रीजनिंग में स्पीड नहीं बनेगी। तो वही बात आएगी कि आप पेपर देने जब भी जाएंगे तो आपको रफ शीट के ऊपर पहले ए बी सी डी लिखनी पड़ेगी, तो इस झंझट से निकल जाएं सबसे पहले। तो सेकेंडली, उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी बैठे हैं अच्छी मेहनत कर रहे हैं। भगवान से कामना है कि आप अच्छी मेहनत करते जाएँ और आपकी ज़िंदगी का जो भी लक्ष्य है बहुत जल्दी आपको मिल जाए। विद्वान मित्रों, आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द नोटिफिकेशन या पेपर की इन्फॉर्मेशन या अपकमिंग वैकेंसी की न्यूज़ या हमारे द्वारा दिए जा रहे जो पटवारी, पंजाब पटवारी, राजस्थान पटवारी, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, जीडी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, ग्रुप डी के संबंधित सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते जाएँ तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएँ। विद्वान मित्रों, आपसे उम्मीद है कि आप सब आप गिल्ज मेंटोर के एक फैमिली मेंबर हैं, तो आप प्लीज़ इसको मैक्सिमम टाइम शेयर जरूर किया करें। आपके लिए वीडियो हमारे द्वारा जो डाला जा रहा है तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो बस आपसे उम्मीद यही होती है कि जितने भी लोग देख रहे हैं तो आपसे बस एक्सपेक्टेशन हमें यही है कि कम से कम आप एक जो भी आपका व्यू है, आपको वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, आप क्या क्वालिटी चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें और उसके बाद में आप ज़रूर शेयर जरूर करें आगे ताकि सब बच्चों तक पहुँच जाए। तो मैंने इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि आपको बेसिक्स तरह आपको और कुछ बातें समझानी थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक स्पेकुलेशन हो जाएगा कि मैथमेटिक्स में इस तरह से क्वेश्चंस रीजनिंग के बनाए जाते हैं ताकि आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रह जाए। चलिए हम बढ़ते हैं आज की सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ, आपको समझ में आएगा उम्मीद करते हैं। आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन दिए गए कि आपको ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको एसएससी, रेलवे, पंजाब पटवारी, हर एक तरह के क्वेश्चंस की सीरीज में आ सकते हैं। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार होना है। चलिए, इसमें आपको दिया गया ना, ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन ग्रुप ऑफ द लेटर्स एंड फॉलोड बाय फोर कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजिट सिंबल गिवन ए बी सी आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ए बी सी डी दिया गया है। यू हैव टू फाइंड द आउट विच ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ द डिजिट्स एंड बेस्ड ऑन द रूल एंड मार्क्स एंड आंसर द अकॉर्डिंगली। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई आंसर नहीं है तो वह आपने नन ऑफ डीज दे देना। तो हम बढ़ते हैं आपकी सीरीज की तरफ। आजकल आपका ये स्ट्रक्चर बन गया कि आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, इसका मतलब कि आपको लेटर देख लेना और फटाफट से आपको इसमें कुछ नहीं देखना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर लेटर और नीचे कोड है। आपको कंडीशन के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको मैं यही पूछ लेता हूं कि आपने बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो प्यारे बंधुओं, आपका करेक्ट आंसर आपको यही बताना है कि इसमें क्या होगा या क्या नहीं होगा। बस आप इतना बता दीजिए मुझे कि मैं आपकी तैयारी समझ लूंगा कि काफ़ी अच्छी अल्फ़ाबेट की सीरीज में कंप्लीट है। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, जितना भी मैं आपको टीच करूँगा, जितना भी रीजनिंग या मैथमेटिक्स टीच करूँगा, आपको उस पर 100% ट्रस्ट करना है और 100% ट्रस्ट करने के बाद में तैयारी करते हुए आप पेपर में जाएंगे तो आप एज इट इज इसी तरीके के क्वेश्चन से मिलेंगे। ये मेरा आपसे गारंटी का एक 100% आपसे वादा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसमें कि यू ई पी एम ओ क्यू, आपको देख के बताना है कि इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो, इसकी मैं शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा। बहुत सारे विद्वान बंधु अपना दिमाग चलाते हैं, लेकिन आपको दिमाग चलाने के साथ में अपनी अकल से काम भी लेना है। देखो, कैसे काम करना है वो मैं सारे का स्ट्रक्चर आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको सब मालूम ये चल गया, पहले बेस में बता दूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका समझा देता हूँ। आपको एक बात का अच्छे से पता है कि पीछे जो है ना सारे के सारे हैज हैं, ठीक है, और आगे जो है डिफरेंट क्वेश्चन है, तो क्यों ना आप शुरू के यू का कोड देख लें। तो यू का कोड आपके पास कहाँ है, आप देखो, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को सही कर दूंगा ताकि आप यू का सीरीज देख लें। चलिए, हम अब देख सकते हैं, तो यू का हैज है, तो यू का कोड क्या हैज है, तो आपको ये मालूम चल गया कि इसके अंदर तो भैया हैज कोई नहीं है, इसके अंदर तो हैज कोई नहीं है, तो कहीं ये क्वेश्चन आपको अपोजिट तो नहीं करके दे दिया उसने, तो ये पूरे का पूरा। अब देख लो, मैं थोड़ा सा आपको सीरीज टीच पढ़ा दूं ताकि मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको अच्छे से कंडीशन बताना चाहता हूं कि सबसे पहले चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। वैसे मैं इस क्वेश्चन को इधर लिख लेता हूं, थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा कि आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बेसिक स्तर से समझाऊं, सभी के सभी फंडा क्वेश्चन समझ में आ जाए।
अब इसमें हैज होगा, ई का कोड आपको मालूम चल गया कि इस तरह के दे रखा है, भैया पी का कोड आपको 7 दे रखा है, एम का कोड आपको ओ दे रखा है, और ओ का कोड आपको 4 दे रखा है, और क्यू का ओ का कोड आपको एट द रेट दे रखा है, माफ करना। हाँ जी, तो लोग पेपर में इस तरह के इनके आंसर्स फाइंड करते हैं। मेरी बात से सहमत होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका ट्रिकी अप्रोच बताता हूं कि जब भी आपको पेपर में इस तरह की सीरीज आ जाए तो आपको आगे के दो और लास्ट के दो देख लेने हैं, बीच वाले क्वेश्चंस को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हो सकता है फर्स्ट और लास्ट लेटर ही हम देख के इसका आंसर निकाल देंगे। ये मेरी बात आप नोट रखना, फर्स्ट और लास्ट। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रक्चर जब भी दिया जाए, और मैंने आपको कल एक तरीका समझाना था, हालांकि वो वीडियो हम आपके लिए प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों ने एक लाइव क्लास के अंदर बच्चों को बताया था कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इनके लिए अलग से कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन आपको ऊपर स्क्रीन के दे रखी है, तो मैं इन कंडीशंस को कोशिश करता हूं कि आपके लिए इस फॉर्मेट के लिए मैं नीचे आपको सीक्वेंस वाइज समझा देता हूं ताकि आपको इसको अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। तो ये प्यारे बंधु कंडीशन है आप सबके लिए, इसको मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। ये कहता है कि इफ द फर्स्ट टू लेटर्स आर वोवल, अगर पहले दो लेटर क्या है वोवल है, द कोड ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट आर टू बी इंटरचेंज, अगर पहले दो लेटर वोवल हैं तो वो लास्ट के क्या होंगे, द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर टू बी इंटरचेंज, पहला और लास्ट लेटर क्या होगा चेंज हो जाएगा। जैसे देखो मैं इसी क्वेश्चन में बात करता हूं, मुझे पता है कि यू का कोड क्या है, यहां पर हैज है, ठीक है, और उसके बाद में ई का कोड क्या है प्यारे बंधु, ई का कोड अपने पास 6 आएगा, ई का कोड क्या आएगा 6 आएगा। मैं थोड़ा से सीरीज को रफ करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और भी समझ में आ जाए जो इधर आप मैंने आपको बेसिक स्तर का क्वेश्चन समझाया था। चलिए बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस से काम करवाऊंगा, उम्मीद करता हूं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, और ये मैं आपसे वादा मेरा किया कि मैं अच्छे से खोपड़ी में बैठा दूंगा आपको पूरे क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब आपको ये कहा था कि पहले दो लेटर आपके पास वोवल हैं, तो मेरे पास पहले दो नो वोवल हैं। देखो वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं, तो मुझे मालूम चल गया कि अब पहले है तो इनका पहला और अंतिम कोड क्या होगा चेंज होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि यू का क्यू का कोड तो पहले आएगा, क्यू का कोड क्या है 4, तो 4 पहले आएगा भैया पहले, तो इसका मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता भैया, इन तीनों में आंसर होगा, अब तीनों में होगा इसका मतलब पहला नहीं हो सकता, तो नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता भैया, नन ऑफ दीज तो इसमें हो ही नहीं सकता, तीन ऑप्शन रह गए, ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको पता है 4 के बाद में सेम है, फिर 7 7 सेम है, फिर ओ ओ सेम है, फिर लास्ट में हैज है, तो आपको मालूम चलेगा कि ये हैज तो कहां चला जाएगा, पीछे, पहले 4 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा हैज आ जाएगा, तो हम क्यों ना इस ओ का कोड देख लेते हैं, ओ से क्लियर हो जाएगा फंडा, ओ का कोड क्या एट द रेट है। अब मुझे बताओ कि एट द रेट यहां पर है ना, बाकी सब में तो नहीं है, क्योंकि हमने इन तीन आंसरों को देखना था और आपको ओ का कोड देखना था, ओ का कोड यही, तो आपका सी आंसर हो गया, बाकी के बाकी क्वेश्चन पे माथा पची करने की 101% जरूरत ही नहीं है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है आगे बढ़ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको फिर से वही सीरीज रखी गई है, लेकिन उससे पहले सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कंडीशन पढ़ाना चाहूंगा आपको, कंडीशन क्या दे रखी है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट द कोड्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड लेटर टू बी इंटरचेंज, अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो मुझे मालूम चल गया कि पहला लेटर तो यहाँ ओ है, तो ओ भैया कॉन्सोनेंट तो नहीं है ना, ए हाँ ए ई आई ओ यू, तो ये वोवल हो गए, ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। तीसरे में दिए इफ द लास्ट लेटर इज वोवल देन द सेकंड लेटर टू बी कोड एज द कोड ऑफ द वोवल, ठीक है अगर लास्ट लेटर वोवल है तो मुझे एक बात बताइए कि क्या लास्ट लेटर इसमें वोवल है, डेफिनेटली वोवल है, डेफिनेटली वोवल है, देखो पहले दो वोवल नहीं है ये कंडीशन क्लियर होगी, फिर सेकंड कंडीशन में दे रखा था अगर फर्स्ट कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, वोवल मैंने अच्छे से समझा रखा था, ठीक है अंतिम इसमें वोवल है, वोवल है तो इसका मतलब उसने ये कहा है आपको, फिर से कंडीशन को पढ़ लेना, हालांकि ये मैंने क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से दे रखे हैं लेकिन पेपर में आपको एक साथ क्वेश्चन छोटा करके दे रखा होगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इफ द लास्ट लेटर इज वोवल देन द सेकंड लेटर इज टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द वोवल, तो सेकंड लेटर वो वोवल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाकी हम फटाफट से देख लेते हैं। चलिए तो ओ का कोड तो हमें मालूम चले गया, ओ का कोड क्या होगा, ठीक है ओ का कोड 4 होगा, एट द रेट होगा, ठीक है एट द रेट होगा। अब मुझे पता लग गया कि पहला एट द रेट तो हो नहीं सकता, पहला तो इसका आंसर होगा नहीं, ये बात तो कट कर दी आपने, ठीक है अब फटाफट से हम क्या चले जाएंगे, अंतिम पे चले जाएंगे। तो भैया यू का देखना, तो यू का हैज होगा, अब हैज होगा तो हैज इसमें नहीं है, हैज इसमें नहीं है, हैज इसमें नहीं है, तो हैज इसमें है, तो इसमें ये वाला अपना आंसर डेफिनेटली होने के ज्यादा चांसेस हैं। उसने बोला था सेकंड लेटर एज ए वोवल, तो सेकंड लेटर होगा वो वोवल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वोवल अपना ओ है,
तो भैया ओ देख लें या किसी और को देख लें, आप यू भी वोवल है तो यू में चेंज हो सकता है, भैया यू में चेंज हो सकता है ना, तो इसमें हैज दे रखा है वोवल के अकॉर्डिंग, तो ये डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, बाकी को आपको देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं, आपको एक और ध्यान रख लेना है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको पेपर में अकॉर्डिंग टू द रूल और रेगुलेशन देख लेना, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है, जिसमें कि आपका रूल नंबर थर्ड जो आपको कंडीशंस दी थी वो अप्लाई हो जाएगी। अब आपको पहली कंडीशन उसने क्या दी थी, पहली कंडीशन आपको ये दी थी कि अगर पहला, अगर मान लो फर्स्ट और सेकेंड वोवल है तो इसमें नहीं है, दूसरा दे रखा था अगर फर्स्ट कॉन्सोनेंट है तो सेकेंड इसमें कंडीशन अप्लाई होगी, सेकेंड कंडीशन कॉन्सोनेंट है तो उसके लिए मैं रूल रेगुलेशन ऊपर पढ़ना चाहूंगा। हम एक काम ये करते हैं कि इन सारे के सारे रूल रेगुलेशन को अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। अभी तो पांचों क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, कोड ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड आर चेंज, तो सेकंड और थर्ड का चेंज हो जाएगा, सेकंड और थर्ड का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि एम का कोड तो फटाफट से हम चेक कर लेंगे, एम का कोड क्या है, जीरो है, ठीक है, जीरो है, और क्यू का कोड क्या है भैया, फोर है, तो पहले तो जीरो आएगा लास्ट में फोर आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है, पहले जीरो और फोर आएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो गया कि ये चारों ऑप्शन आप तीन ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आपका टपकेगा। अब देखना है भैया कि इसमें क्या है कि आपके पास कॉपीराइट सी है, कॉपीराइट सी है तो या तो तीसरा ऑप्शन चेक कर लो फटाफट से, ये चौथा ऑप्शन चेक कर लो, तो मैं काम करता हूँ, उसने कहा था कि दूसरा और तीसरा चेंज होंगे, तो आर का कोड क्या है, आर का कोड है कॉपीराइट सी, भैया आर का रेट क्या है, कॉपीराइट, देखो आर का कोड यहाँ पर क्या है कि कॉपीराइट सी है, उसके पहले क्या आई, तो आई का कोड मैं देखूंगा परसेंटेज, तो आई का कोड क्या है परसेंटेज, लेकिन आपको कंडीशन में दी थी कि वो दूसरा तो तीसरा बन जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉपीराइट सी और ये परसेंटेज और यहाँ आगे आएगा और लास्ट में फोर आएगा। अब इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही मैं धीरे समझा रहा हूँ, हालांकि मेरी स्पीड इतनी नहीं है, मैंने चार बार एसएससी क्रैक किया, पांचवी बार की तैयारी है, तो मैं इस स्ट्रक्चर क्वेश्चन की स्पीड मेरी इतनी बेहतरीन मैंने सेट कर रखी कि मुझे इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड कैसे सॉल्व करना है। तो आपकी जब प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप देखो, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के डाल रखे हैं तुक्का लगाने का सही आइडिया, ये होती है फालतू बातें, मैं आपको सीधी सी बात ये बताता हूँ कि प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाती है ना कि आप तुक्का भी लगाएंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका स्पेकुलेशन आपका आइडिया उस पर जाएगा कि हाँ यार ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आपको मालूम ये चल गया कि कॉपीराइट सी और हैज आएगा, तो कॉपीराइट सी और हैज या तो भैया तीसरे में है, किस में है, तीसरे में है, अरे तुम कहाँ आ गए, हाँ जी या तो तीसरे में है तो या भाई चौथे में हो सकता है, तो हम इसका क्लियरिफिकेशन किससे करेंगे, लास्ट वाले हैज और एट द रेट से कर लेंगे, ठीक है। तो ये काउंट क्या है, एन का कोड देख लो आप, एन का कोड है आपके पास एट द रेट, तो एट द रेट है तो सी आंसर हो गया, बाकी किसी की ये तो ना तो डी होगा ना बी होगा ना ए होगा, क्लियर हो गया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपको दे रहा हूँ मैं, 30 सेकंड्स आपके पास टाइम है, मैं काउंट कर रहा हूँ और आप ऊपर इन पूरे की पूरी सीरीज को देख लो, मैं इसको क्वेश्चन को बिल्कुल स्पेस इसका कम कर आपके लिए रख देता हूँ, ये लो इसको देख लीजिए, 30 सेकंड्स आपके पास है, मैं काउंट कर रहा हूँ, फटाफट से इसका आंसर निकालिए। कंडीशन पहली ये थी कि अगर पहले दो लेटर वोवल हैं तो उसका क्या करना है आपको, ऐसी वोवल वाली कंडीशन तो नहीं है। सेकेंड कंडीशन ये थी कि अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, क्लियर है, तो ये कॉन्सोनेंट वाला लग रहा है। थर्ड लेटर आपको ये था कि अगर लास्ट में, थर्ड कंडीशन ये थी कि लास्ट में अगर वोवल है, तो लास्ट में वोवल नहीं है तो इसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। सेकंड कंडीशन भी ये था कि इसका दूसरा लेटर और तीसरा लेटर क्या इंटरचेंज होंगे, बस फटाफट से चेप दीजिए और आपका आंसर एक्यूरेट आ जाना चाहिए आपके। हाँ जी 20 सेकंड हो गए, फटाफट 10 सेकंड बचे हैं, हाँ जी बस मैं इसको साइलेंट मोड में काउंट कर रहा हूँ ताकि आपका आंसर आ जाना चाहिए, बस हर क्वेश्चन की स्पीड बनाएं कि 30 सेकंड्स में हो जानी चाहिए। चलो ठीक है, कम ऑन, शाबाश गाइस, हाँ जी डन कर लिया होगा, ठीक है। तो एच का कोड मुझे मालूम है दो होगा, ठीक है प्यारे बच्चों दो होगा, मैं फटाफट से ओ का कोड फाइंड करूंगा, ओ का कोड मेरे पास क्या है एट द रेट, नहीं मुझे एल का कोड फाइंड करना है, 6 और फिर होगा एट द रेट, ठीक है 26 एट द रेट, तो ये मेरा ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है तो ये नहीं होगा, या तो मेरा ऑप्शन ए है और या मेरा ऑप्शन सी है, दोनों में से कोई एक है तो मैं लास्ट पे चला जाऊंगा, लास्ट पे बी है, बी का कोड क्या है 3, 3 का मतलब ए कोड हो गया मेरा, क्लियर, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिस आप सबको बनानी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और ये आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन रहा, और ये फिफ्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जल्दी से, और सॉल्व करने के बाद में इस कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे ताकि हम आपके आंसर को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए विद्वान मित्रों आगे की सीरीज पे बढ़ते हैं, आगे आपको बहुत ही बेहतरीन सीरीज दे रखी है, एक और शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, कोई दोहराई नहीं है इसमें, कोई शक वाली बात नहीं है।
आपको कहा इसमें देखो सीरीज दे रखी है आपको, जैसे 48@BDE, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले समझ लो एक तो क्या है नंबर है, नंबर दूसरा आपके पास क्या है सिंबल है, नंबर तीसरी जो चीज है इसके अंदर अब वो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कॉन्सोनेंट कंडीशन है, नंबर फोर आपके पास क्या है वोवल की कंडीशन है, ठीक है। तो ये चार कंडीशन इसमें होती हैं, इन चारों कंडीशनों में आपको पेपर में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक के क्वेश्चन उठा लो पक्के 5 क्वेश्चन आएंगे, SSC को उठा लो 3 क्वेश्चन आएंगे, बाकी पंजाब की बात करो पंजाब गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट, तो आपने रिसेंटली एग्जामिनेशंस दिए हैं तो आपको मालूम चल गया कि रीजनिंग का स्ट्रक्चर इजी जरूर होता है लेकिन कॉम्प्लिकेटिव होता है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग हो आपका। इसमें क्या कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 9th लेटर ऑफ द लेफ्ट ऑफ द 16th फ्रॉम द राइट, तो 16th फ्रॉम द राइट यानी 16वें के राइट में 9वां लेफ्ट में देखना है, तो आपको क्या बन गया 16 और 9 25, तो 25 किस तरफ से देखेंगे राइट साइड से, तो राइट साइड का मतलब बैक साइड से गिनेंगे, बैक साइड से गिनेंगे 1 2, हाँ जी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मुझे को थोड़ा लग रहा है इसमें डाउट कि ये सिंबल है भी है कि नहीं है, ठीक है हाँ जी ये सिंबल ही है। तो 25th क्वेश्चन देखना है, तो अब आपको ये नहीं मालूम कि आपका जो पहला है 4 है और लास्ट में डॉलर है तो कितने बनते हैं, तो आपको इसके लिए क्या काम करना है काउंट कर लेना है, कितने कर लेना है या तो इस तरह से कर लीजिए 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21 और 3 कितने हो गए 21 और 3 24 और 1 25, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा डी यानी आपका सी ऑप्शन आ गया। अब देखो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, ये तो आपने काउंट करके बता ली और ये मैं आपको क्लियर सजेस्ट करूंगा काउंट करने। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि अगर मान लो इसमें सारे नंबर ड्रॉप कर दिए जाएं तो बताएं लेफ्ट साइड से 6th कौन सा होगा, ये पूछ सकता है पेपर वाला कि इसमें सारे सिंबल ड्रॉप कर दिए जाएं, या आपसे ये पूछ सकता है पेपर वाला कि इसमें सारे कॉन्सोनेंट ड्रॉप कर दिए जाएं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ड्रॉप करने का मतलब उनको हमने गिनना नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमने आपको बताया था कि ये साइड होती है आपकी लेफ्ट और इस साइड से जब अपने गिनती करेंगे तो ये साइड होगी आपकी राइट, ठीक है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं प्यारे बंधु, आगे बढ़ लेते हैं 7th क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, आपको बताना है कि हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई ए सिंबल, तो प्रिसीडेड बाई ए सिंबल। तो मैं काम करता हूँ, मैंने एक काम करता हूँ थोड़ा सा वेट कर, हाँ जी विद्वान बंधुओं फटाफट से आपको ये देखना है कि सिंबल उसने प्रिसीडेड की बात बोली है तो आपने सिंबल लिखा और यानी प्रिसीडेड का मतलब आपको क्या पूछा था उसने, हाँ जी लेटर्स, तो ये आपके लेटर्स हो गए और इमीडिएटली फॉलो बाई ए कॉन्सोनेंट, तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए सिंबल लेटर कॉन्सोनेंट। तो सिंबल मैंने ये दिखाया, लेटर और कॉन्सोनेंट बिल्कुल पहला पेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद में सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर, तो ये मेरे पास दूसरा, अब आपको मालूम चल गया कि आई कॉन्सोनेंट नहीं होता तो ये पूरे का पूरा नहीं बनेगा, ठीक है इसको छोड़ देंगे। फिर ये देखा सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर, सिंबल लेटर कॉन्सोनेंट, तो ये बन गया दूसरा, ठीक है। उसके बाद में सिंबल तो आगे नहीं बनेगा, फिर उसके बाद में आगे आगे नहीं है, तो सिंबल कॉन्सोनेंट आगे नहीं बनेगा, तो ओनली इसके अंदर आपके पास कितने बन रहे हैं प्यारे बंधुओं, प्यारे बंधु आपके पास 3 बन रहे हैं 2 बन रहे हैं, कितने आपके पास स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये बात आपको अच्छे से मालूम कर लेनी है कि आपके पास कितने पेयर बन रहे हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, उसने पूछा था हाउ मेनी सच लेटर आर देन द अबव अबव एग्रीमेंट अरेंजमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग इमीजिएटली प्रिसीडेड बाई ए सिंबल, ठीक है, एंड इमीजिएटली फॉलो बाई ए कॉन्सोनेंट। तो ये आपको बताना था कि ऑप्शनों के अंदर अकॉर्डिंग टू 3 4 जो भी हैं आपके, तो इसका जो आंसर होगा वो आपके अकॉर्डिंग बताना है मुझे जल्दी से क्या इसका आंसर हो सकता है। तो मैं आपसे डिमांड चाहता हूँ इस क्वेश्चन की कि क्या आंसर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, हम वापस से गिन लेंगे। पहले आपके पास सिंबल हो गया, फिर आपके पास क्या हो गया लेटर हो गया, फिर कॉन्सोनेंट हो गया, पहला पहला सिंबल हो गया, फिर ये आपके पास लेटर हो गया, ये कॉन्सोनेंट, तो आई कॉन्सोनेंट में काउंट नहीं होगा, हम इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है हम इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। आगे बढ़ लेते हैं, फिर हो गया आपके पास ये स्टार हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे आपको दे रखा है उसने कि अगर मैं बात करूं कि सिंबल ले लेते हैं लेटर लेंगे तो कॉन्सोनेंट एंड में कॉन्सोनेंट नहीं है, तो आपके पास कितने हो गए ओनली 2 हो गए, तो आपके पास 2 का मतलब इसमें आप नन ऑफ दीज अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो यानी यहाँ पर कोई 2 ऑप्शन नहीं है फिर भी 2 ऑप्शन होते तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते थे आपके, कि आपके ओनली 2 इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंप्लीट द सीरीज, जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्लीट द सीरीज करना है $4 भी, तो आपको 4 पिक करना है। देखो 4 यहाँ पर है तो मैं एक बार सिंबल लगा रहा हूँ 4, उस पेपर वाले ने क्या किया डॉलर पीछे ले गया आपके लिए,
फिर वो वापस आपके लिए क्या कर रहा है, इसी में से वी उठाएगा। कहाँ से उठाए, अब आपको दिमाग लगाना है फटाफट से कि वी उसने कहाँ से पिक किया है। हाँ जी, तो ये सीरीज अपने पास क्या है, ये है तीन, ये है तीन। तो मैं एक बार इसको जरा, तीन तीन की सीरीज है आपके पास, तीन तीन की सीरीज है, ये तीन हो गए, ये तीन हो गए, ये तीन हो गए, और आगे तीन आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, वी आपको ध्यान रखना है कि इस वी इसने सीरीज में से कहाँ से उठाया और क्या आपके लिए लॉजिक बनेगा। देर इज नो वी, ठीक है, कोई वी नहीं है यहाँ पर। हम आगे चलते हैं, ये आपको इस इधर उठाया, ठीक है, इसके बाद में दो छोड़कर ये बी उठाया, बी के बाद में उसने साथ में से आई उठा लिया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे आपको क्या कंडीशन दी है उसने, कि एंड के अंदर जो आपके पास डी था और डी के बाद में कितने लेटर छोड़कर आगे बढ़ेगा वो, फिर उसके बाद में हम लोग बी डी, इसके बाद में, हाँ जी बी डी था साथ वाला, माफ करना जरा, बी डी था। हाँ जी, ये आपके पास स्लैश हो गया। उसके बाद में हम ले लेते हैं कॉपीराइट सी, इधर से दो छोड़े कॉपीराइट सी और साथ में आपको उठा लिया इसने क्वेश्चन नंबर, उसके बाद में इधर से उठा लिया। तो कहने का मतलब पैरेलल कंडीशन चल रही है। ठीक है भैया, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अगला आपको देखना है कौन सा स्टेप उसने उठाया है। टू उठाया, फिर इधर से सेवन उठाया और सेवन के साथ में स्टार उठाया। तो अब आपको इधर से उठाना है, कितने छोड़ के उठाना है, दो छोड़ के उठाना है, एक छोड़ के, एक छोड़ के, तो हम डब्ल्यू उठाएंगे। W के बाद में हम इधर चले जाएंगे, इधर आपके पास कितने छोड़ने हैं, दो छोड़ने हैं, तो हम लेंगे ये, और उसके बाद में क्या फाइव, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये आपके कंसंट्रेशन और बिल्कुल एकदम अप्रोच पे डिपेंड करता है, तभी आप इसके आंसर फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद फाइंड करना है। हाउ मेनी सच नंबर आर इन द अबव सीरीज इमीजिएटली प्रिसीडेड बाई ए सिंबल, इमीजिएटली प्रिसीडेड बाई ए सिंबल, जिसके पहले सिंबल है। आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पहले क्या है, सिंबल है बस। तो ये आपको क्वेश्चन फाइंड करना है और इसके आंसर आप फाइंड करके नीचे लिख दें। टेंथ क्वेश्चन पे बात करते हैं। टेंथ क्वेश्चन में आपको फिर से चार दे रखे हैं, कि इनमें से बताना है कि पांच दे रखे हैं, पांच में से आपको ऐसा बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। के डब्ल्यू स्टार दे रखा है आपको, के वहां पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, स्टार ये इस प्रकार से घुमा के लिया उसने। फिर उसके बाद में हम लेते हैं कि बी डी, और फिर उसने बी डी, और फिर इसके बाद में ये सीरीज पे जाया। सबसे पहले के डब्ल्यू, ठीक है, फिर हो गया एम वी, एम वी, और उसके बाद में है कि आपके पास V, और ये आपके पास अधूरी सीरीज है। हाँ जी, तो ये आपके पास अधूरी सीरीज है, माफ़ करना जरा। हम इस क्वेश्चन को, चलो हम कोशिश करेंगे पूरा करने की, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। एम वी, तो ये हो सकता है कि V हो, इसको आपने चेक कर लेना है। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ दीजिए प्यारे बंधु, अगला क्वेश्चन आप करना है, सॉल्व कर लेना इसको जरा। ठीक है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइन्थ लेटर ऑफ द लेफ्ट ऑफ द 21st फ्रॉम द राइट साइड। हाँ जी, इसको फटाफट फाइंड करिए। अब आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम है, 10 सेकंड्स के बाद में मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। हाँ जी, 10 सेकंड्स के बाद में मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। कोशिश करें इसका आंसर फाइंड करने की, कम ऑन गाइस। ठीक है, टाइम्स अप। अब आपको पता है कि 21वां लेटर कहाँ से है, राइट साइड से। तो मैंने राइट साइड से, ये मेरी राइट हो गई, ठीक है, और मुझे मालूम चल गया कि आगे उसने लेफ्ट दे रखा है। तो ये 21 प्लस 9 इज इक्वल 30, तो कहाँ से गिनना, राइट से शुरू करेंगे हम लोग। ये हमने तीन निकाले, तीन तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, तीन पंद्रह, तीन अठारह, तीन 21, ठीक है, और तीन 24, और तीन 27, और तीन 30। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, आपके पास प्यारे बंधु 8 ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन का आंसर दे रखा है, इसमें चेक कर सकते हैं आप। आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये आपके पास सीरीज है, सेम की सेम सीरीज है। हाउ मेनी सच आर देयर इन द अबव सीरीज, बताने ऐसे चार कितने, ईच ऑफ द विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड एन ऑड डिजिट। तो भैया यहां पर क्या होना चाहिए, ऑड डिजिट होना चाहिए, और इमीडिएटली फॉलो बाई क्या होना चाहिए, इवन। ऐसे चार कितने हैं जिनसे पहले ऑड और बाद में इवन है। उसने बोला है कि जीरो इज नाइदर ऑड और नॉट इवन, जीरो को कुछ काउंट नहीं करना आपने, ठीक है, जीरो को काउंट नहीं करना है। फटाफट से मुझे बता दीजिए कितने हैं आपके पास, कितने आएंगे, एक दो तीन चार पाँच, क्या आएंगे। तो पहला तो होगा नहीं, जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो ये चार से पहले चले गए, चार के पहले ऑड होना चाहिए तो ये भी नहीं बनेगा, चार के पहले ऑड लास्ट में इवन, तो पहली सीरीज तो ये बन गई। ठीक है, आगे बढ़ लो प्यारे बंधु, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। तो पहले ओड आ गया, लास्ट में इवन आ गया, तो आपके पास टू आएंगे, तो इसका मतलब आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अल्फाबेट के अंदर समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ।
हर एक तरीके के मैंने क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है ताकि आपको पूरे का पूरा अल्फाबेट एक बार समझ में आ जाए कि किस तरह से कैसे कैसे काम करता है। मैं अल्फाबेट की सीरीज लूंगा प्यारे बंधु, वो आगे आपको करवाऊंगा मैं सीरीज, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज पे हमने काम कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको 26 लेटर्स को फाड़ के बताया था कि पेयर फर्स्ट और पेयर टू कहने का मतलब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के लिए, ठीक है। चलिए, आपको एम्प्लॉयमेंट एक वर्ड दिया है, इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी पेयर आर देन द मीनिंगफुल वर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज इमीडिएटली बिटवीन इन द वर्ड एज इंग्लिश अल्फाबेट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऐसे कितने अक्षर हैं जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं एक अल्फाबेट यानी एक वर्णमाला सीरीज के मुताबिक। भाई इन इंग्लिश का मतलब देखो, मैं इसको यूं बता दूं, मैंने लिखा 1 3 4 5, ठीक है, मैंने लिखा 1 3 4 5, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर 7 लिख लेता हूँ, मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ 1 3 7 4, फिर मैंने लिखा कि 5, फिर मैंने लिखा कि 8। चलो अब मुझे काम करो, मुझे ये बताओ, मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, कि इसमें बताओ एक के बाद में 3 होता है, कभी नहीं होता भैया, एक के फिर 3 के बाद में 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं गिनना, आपको इसको ऐसे गिनना है, एक के बाद में क्या होना चाहिए, 2 3 4, देखो एक के दो, एक के बाद में 3 छोड़ने के बाद में 4 आता है, देखो 1 2 3 4, तो पहला जोटा बन गया 1 और 4, मेरी बात समझ गए, यूं ऐसे पेयर उठाने हैं आपने। उसके बाद में देखो 5, तो 5 है तो फिर बन गया 1 और 5 का जोटा, इस तरह से हम पिक करेंगे। देखो या तो आपको काम करना है इनको लिख लेंगे, ई का मतलब 5 होता है, मैं लिख देता हूँ, एम का मतलब 13 होता है, पी का मतलब 16 होता है, एल का मतलब 12 होता है, ओ का मतलब 15 होता है, वाई का मतलब 25 होता है, एम का मतलब 13 होता है, ई का मतलब 5 होता है, एन का मतलब 14 होता है, टी का मतलब 20 होता है। या तो मैं ऐसे गिन ले या हम सीरीज के ऊपरी गिन ले, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप ऊपरी गिन ले, ठीक है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि 5 6 7 8, ठीक है। मैं एक बार प्रैक्टिस करवा देता हूँ, 5 6 7, हाँ जी, मैं एक बार इनको यूँ लिख दूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, तो भैया ये 5 और ये 14 और ये, ठीक है, हाँ जी, फिर भी बीच में कोई गलती ना रह गई हो तो मैं गिन लेता हूँ कि 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आगे नहीं है छोड़ दो, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं है छोड़ दो, फिर है 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं है छोड़ दो, 12 13 14 15 16 17 18 छोड़ दो, 15 16 17 18 19 20, तो ये देखो 15 के बाद में 5, 15 के 5 स्टेप आगे 20 होता है, तो 15 पे होता है मेरे भैया पी होता है पप्पू और टी होता है, तो इसका मतलब पहला जोटा ये मिल गया, पहला जोटा मिल गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद में 25 के बाद में आगे नहीं छोड़ दो, 13 के बाद में 13 14 यहाँ होना चाहिए जो 5 है जो गलत है, 15 16, ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे सर 13 के बाद में 14 मिल गया, ये नहीं होगा, बिल्कुल गिनती की तरह चलना है यार, जैसी काउंटिंग होती है ना उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। 5 6 7 छोड़ दीजिए, 20 21 22 23 24 नहीं है छोड़ दो, क्योंकि उसके बाद में आगे बढ़ानी है, 14 15 16 17 18 19 20 नहीं है, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है, 13 14 15, तो 13 के बाद में देखो 15 हो गया, ठीक है, तो 13 होता है भैया एम और 15 क्या होता है पप्पू, ठीक है, दूसरा जोटा बन गया। फिर आगे देखो 15 के बाद में गिनना आगे कंटिन्यू रखो जब तक कि एंड ना हो जाए, 16 17 18 19 नहीं है छोड़ दो, 25 के बाद में आगे बढ़ानी है मत गिनो, 16 17 18 19 20 नहीं है, देखो 15 16 17 18 19 नहीं है, ऐसा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 15 के बाद में, ऐसा नहीं कि 16 आपने यहाँ देख लिया तो इसको करेक्ट कर दिए, गलत हो जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ ये रॉन्ग हो जाएगा, 15 के बाद में 16 होता है गिनती में और 16 के बाद में 17 होता है गिनती में, तो यहाँ पर 17 नहीं है और 12 की जगह 16 नहीं है, तो इसका मतलब ये जोटा नहीं बनेगा, फिर 12 13 14 15 नहीं है, 16 17 18 नहीं है, 13 14 नहीं है, तो इसका मतलब दो ही पेयर बन रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ये आपको ख्याल रखना है ना पेयर के हिसाब से। अब आगे आपको दे रखा है कि एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है मैंने, आपको मालूम चल जाएगा कि देखो लोग क्या करेंगे, लोग दिमाग लगाएंगे, लोग ऐसे करेंगे कि 3 24, फिर करेंगे कि 4 और फिर लिखेंगे 23, इस प्रकार आपको मालूम चल जाएगा कॉक्स दिलवाले इवनिंग, ठीक है, 4 अम्ब्रेला, जीटी रोड, और उसके बाद में क्या आना चाहिए यार, एच का मतलब हरभजन सिंह, तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। बताएं मुझे टाइम लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। तो ये क्वेश्चंस थे, तो ये मैं क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चंस आपको आगे समझाने वाला हूं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं, आपको पूछा गया है कि एक आपको इसमें एक मीनिंगफुल वर्ड दिया गया है, उसका आपने दूसरा, आपको पांचवा और उसको सातवां और आपको आठवां लेटर उठाना है,
देखो फिजिकल है, दूसरा क्या हो गया एच, उसके बाद में हो गया पांचवा, तो पांचवा क्या बनता है अपने पास आई, ठीक है। फिर उसने पूछा सातवां, तो सातवां है ए, और फिर हो गया आठवां एल, क्लियर होगी मेरी बात। अब आपने उठा लिया, तो आपको ये पूछा है कि यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, एक ही बार यूज करना है भाई। जैसे कैसे यूज करना है, जैसे मान लो मैंने ये लिख लिया एच आई एल ए, कोई वर्ड बनता है नहीं बनता, फिर मैंने लिखा एल आई एच ए, बनता है नहीं बनता, फिर मैंने ये देखना है कि एच ए आई एल ये बनेगा, ठीक है, तो ये बन सकता है या नहीं बन सकता है, हम श्योर नहीं कह सकते। तो ये बन सकता है कि नहीं बन सकता, हम श्योर नहीं कह सकते थे। एल आई ए एच ले, ये बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो हम नहीं कह सकते। तो मैं आपको इसका आंसर ये, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी दिमाग की स्ट्रेटर्जी और आपकी प्रैक्टिस पर। अब आपको उठा लिए लेटर, वो कहता है कि अगर एक से ज़्यादा है, सॉरी इफ मोर देन वन लेट वर्ड, अगर एक से ज़्यादा बनते हैं तो आपने एम आंसर लिखना है। अगर एक अक्षर से ज़्यादा मीनिंगफुल बनते हैं तो आपने एम को टिक करना है। अगर एक भी नहीं बनता तो आपने एन टिक करना है। क्या करना है? एन टिक करना है। ये कंडीशन आपको पेपर में दी जाती है। अगर एक ही बनता है, सपोज अगर एक ही बनता है, तो उसने पूछा कि ओनली वन द सेकेंड लेटर ऑफ दैट वर्ड, सेकेंड लेटर बताना है। जैसे मान लो कि आपके पास ये वर्ड आ गया, तो सेकेंड लेटर इसमें आई होगा, तो फिर आपने ए टिक कर देना है। अगर एक ही बनता है, अगर एक ही बनता है, तो आपने ये वाला उसका जो पूछा है वो टिक कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा बनता है तो एम कर देंगे, और एक भी नहीं बनता तो उन्हें एन टिक कर देना। ये कंडीशन में दी जाती है, ये आपको ख्याल रखना है। फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता ही आता है इस प्रकार का, क्योंकि मैं आगे टेस्ट सीरीज करवाऊंगा तो मैं उसमें भी आपसे पूछूंगा। आगे आपको पूछा अगले तरीके का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ए बी टी आई दिया है, उसने बोला कि इन लेटरों को एक ही बार यूज करें, बताएं ऐसे कितने अंग्रेजी के अक्षर बन सकते हैं। तो मैंने लिखा कि ए बी टी आई, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ कि टी ए बी, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड बन सकता है। तो मैं इसके लिए एरर लगा रहा हूँ सबके लिए, ए आई टी बी, तो ऐसा बन सकता है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको एक ही बार लिखना है। तो एक ही बार का मतलब है, ऐसा नहीं कि आपने ए को दो टाइम लिख लिया, तो आपने टिक करना है इनमें से कितने इंग्लिश के मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, ठीक है। अगर एक भी नहीं बनता तो आपने डी ऑप्शन कर देना है, ठीक है। चलिए आगे आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपने बोला है कि तीन एक जैसे हैं, तो बताएं चौथा एक जैसा कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, देखो पहले ऑप्शन में क्या है कि 20, फिर 18, फिर क्या है 16, तो दो दो का गैप बन रहा है, ठीक है। इसमें हो गया 25, 23, और इसमें क्या हो गया 21, दो दो का गैप बन रहा है, ठीक है। 19, फिर हो गया 17, और फिर हो गया आपके पास भैया 15, ठीक है। एक महीने पीछे शायद तक पी का कोड मैंने 15 लगा दिया था, वो उसके लिए माफी चाहता हूँ। पी का कोड 16 होता है, ओ का कोड 15 होता है, शायद तक वो चेक कर लेना, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे, ठीक है। अब मेरे, हाँ जी, टी का कोड देखिए 20, और आपके पास 22, और फिर हो गया भैया 24। मुझे बताओ ये सब डिक्रीज में जा रहे थे, ये डिक्रीज में और ये इंक्रीज में जा रहा था, इसका मतलब यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपको सारे के सारे सेकेंड, और इसका थर्ड, और इसका फोर्थ, पांचवा, और आपको छठवां, और सातवां, और आठवां, ये सारे के सारे क्वेश्चन ये आपके लिए दिए गए हैं। और ये सारी की सारी अल्फाबेट सीरीज मेरे द्वारा आपको करवाई गई है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्फाबेट ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग पार्ट सेकेंड, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। रिपीट कर दूँ, राजस्थान पटवारी, पंजाब पटवारी, सीजीएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी के कोई भी एग्जाम्स हैं, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद में रेलवे के पेपर्स हैं, उनके संबंधित ये पूरे का पूरा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो मैं इस वीडियो को आपके लिए प्रॉपर बनाकर ये मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया है, इनके सभी आंसर निकालें। कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज आप जरूर लिखेंगे, ताकि आपके इस पूरे के पूरे क्वेश्चन सीरीज को हम एक्सप्लेनेशन के साथ एक टेस्ट सीरीज आपके लिए डाल देंगे। अब आपका काम है इसको प्लीज शेयर कर दें, मैक्सिमम टाइम तक लाइक कर दें, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल।